कहां से ना उन्हें आके अभी साउथ को जा रहे हैं, वहाँ पे हम लड़कियाँ देखेंगे। ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, थोड़ा ही टाइम है यार, थोड़ा ही टाइम है। भाई ये व्यू देखोगे आप पागल हो जाओगे, इतना ओ माँ कसम। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सनी, थोड़ा सा मैंने गुड मॉर्निंग का सब लोग आए हो, आप सब चाहेंगे मैं एकदम मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ। इन राहों की तरह सो आज है हमारा डे 5 इन गोवा। अब आज का दिन और कल का दिन बचा है, परसों सुबह हम निकल जाएंगे। तो आज हम घूमने जाने वाले दूध सागर, लेकिन दूध सागर पता नहीं बारिश के कारण बंद है। तो जून में बहुत सारी चीजें बंद मिलेगी आपको, जून में नहीं आना चाहिए गोवा, रील्स में देख के मत आओ भाई। हम घूमने का प्लान प्लस हमारा शूट था उसके लिए आए, क्योंकि बहुत सारे क्लब्स में भी मज़ा नहीं आएगा आपको, कल हमको बहुत इतना खास मज़ा नहीं आया, प्लस बहुत सारी चीज़ें बंद मिलेगी हमको। एक्टिविटी करनी थी, पैराग्लाइडिंग, स्कूबा डाइविंग, वो सब करना था। वो सारी एक्टिविटी में दो चीज़ तो ऑलरेडी बंद है, स्कूबा और पैरा, ये मेन चीज़ है, ये बंद ही है। तो फिर कोई मतलब नहीं बनता जाने का, बाकी वो सब चीज़ें करने जाते। तो अभी हम साउथ गोवा जा रहे हैं, साउथ गोवा घूमेंगे, पंजिम जाएंगे वहाँ घूमेंगे, शाम को ये लोग को कैसीनो देखने जाना है तो वो जाएंगे, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। और इसके बीच बीच में हमारे थोड़े छोटे छोटे म्यूज़िक के लिए शॉट लेने हैं, तो वो करते करते जाएंगे। तो उसके लिए ये शर्ट मैंने पहना है अभी, तो ये वीडियो के अंदर है। फिर कमेंट मत लिखना शनि भाई, आप तो यार खुद देख के कपड़े पहन के देखते हैं ना। वाह भाई क्या हुआ, उसका फोन आया गाड़ी वाले का, मैंने उससे को रेंट पे गाड़ी दिया, हमने जो गाड़ी ली थी ना वो वापस दे दी। हमने सूट के लिए वो पाउडर के पैकेट बनाए थे, वो आटा है उसके अंदर, तो आटे का वो हमने पैकेट बनाए थे सूट के लिए, तो वो किसी और को पकड़ लिया पुलिस वाले, फिर छोड़ा। पुलिस वाला बोल रहा है कि तुम्हारे साथ स्कैम हो गया, बोले तुम्हारे पास किसी ने पैसा लेके तुमको आटा दे दिया। भाई वो आटा ही था, इतने टैलेंटेड लोग हैं हमारे पास गाइस, देखो इतना सारा पेट्रोल है तो इसमें से भी निकलेगा दोनों में, एक तो फूल है अपना। ये गाड़ियाँ हमको अभी देने की है, दूसरी फोर व्हीलर, हमने एक फोर व्हील ली थी और तो तीन टू व्हील ली थी, तो फोर व्हील हम अब दो ले लेंगे क्योंकि सूट ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है इसका। कोई सूट ऊपर है, खत्म हो चुका है ना, खत्म है अभी, अभी खत्म है। तो उसका पेट्रोल निकाल दे रहे, इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। सही है ना भाई, क्यों देना फालतू में पेट्रोल, इसके लिए निकाल रहे फोर व्हील में डाल। हाँ फोर व्हील में डाल देंगे, ये पूरा भरेंगे अभी। बहुत सिंपल टेक्निक है, पाइप डाला अंदर, घंटा, ये सिंपल नहीं है। तो क्या है, अगर मुंह में आया मतलब मुंह में चला गया ना तो पूरा मुंह में ही चला जाएगा। रुक जा, रुक जा। कोर्स है पूरा, 2 महीने का, 2 महीने का कोर्स करना पड़ेगा। फोर व्हील को डीएम करो, पहले से ये सब करता था, पेट्रोल चोरी करता था। न्यू ट्रेनिंग, 3 2 1 थोड़ा ही बाहर गिरा और मुंह में बिल्कुल भी नहीं आया गाइस, बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने कर लिया है, प्राउड फील हो रहा है बहुत। ऐसे तो मैं कैसे कहीं से ही पेट्रोल निकाल सकता हूँ। हाँ तो माँ भाड़ी कितना फास्ट आ रहा है मेरे मुंह के अंदर, देखो कैसा जादू है। किसी को भाई पानी चलाना तो भाई ईजी है, तो क्या बहुत ईजी है, 2 महीने का ट्रेनिंग, फालतू में पैसे लेता है। बहुत सारा माल आ चुका है देखो, और अभी ये ट्रांसफर होने जा रहा है हमारी मेन गाड़ी में। इससे पता चलता है हम गुजरात वाले, हम किसी को कुछ नहीं देते। नहीं, इससे पता चलता है हम गरीब है। भाई क्या चल रहा है, देखो एकदम प्रॉपर काम है, एकदम इजीली अंदर जा रहा है। देखो गाइस बहुत इजी है, नई गाड़ी लेंगे ना अभी, हाँ एक और अभी फोर व्हील ले रहे हम, और वो जो दूसरा पेट्रोल है उसमें डालेंगे। आयुष पागल हो क्या, इधर मेरा फोन पड़ा है, इधर कार में पड़ा है, एड़े हो क्या, अभी कसम से मारूंगा। रोटा हो रहा है अभी, पता नहीं किसने कॉल कर रहा है, ये ब्लॉग भी ले रहा है, मैं फोन तोड़ दूंगा इसको, तो इतना कसम से फोन तोड़ दूंगा अभी दे रहा है। Run. Run.
रोहित और उर्विल दो ही नाम बोल रहे हो। बच्चा है तू क्या हुआ? तुम भी बाहर से कुछ किया वो कर रहा था उसको ना बोला अभी लेकिन वो मान रहा तो चाहिए। क्या किया ब्लॉग उतार रहे थे? मैं थोड़ी उतार रहा था, उसको रोक नहीं सकता था वो लोग ले रहे तो रोक तो सकते हो ना उसको। अरे पानी गिरा भाई रोज का है ये तो, मेरे आजूबाजू में चार्जिंग वार्जिंग चल रहा है उसपे पानी वानी गया तो नहीं जाता भाई, ऐसे थोड़ी पानी जाता है। वो भी बार में भी उसको फूक मार के चला रहा हूँ। इसको फूक मारा तो भी जाके चार्ज होता है। क्या कुछ भी बोल रहा है भाई तू, पानी तो डाला उसने क्या हो गया? डाला ठीक है, रोज इसे झटका मार के उतारते हैं। तो सुबह उठोगे मैं तो सबसे पहले उठ के मैं तो पानी की बोतल में जरा देख भाई देख कोई करने का है देख मार देने का चोखा बोल दे रहा हूँ। क्यों नहीं मेरे साथ करता? पता है उसको मार पड़ने वाली है तो नहीं करेगा ना, मार लेने का। जो हो गया हो गया, कल सुबह का एक मकसद रख, सुबह जल्दी उठेंगे तू और मैं निलाई दूंगा, पूरा बाल्टी डाल देंगे दूंगा। ये बदला पूरा कर, गीला तो गीला है इसकी, बदला पूरा करना जरूरी है भाई। तो तेरे साथ दो बार हो गया मैंने देखा। मैं तेरे को उठाने आऊंगा, मैं तो जल्दी उठता हूँ, मैं तेरे को उठाने आऊंगा ठीक है? चल मिशन, कल मैं तेरे साथ हूँ ये एकदम पक्की बात है। गाइस गुड मॉर्निंग, 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 गुड मॉर्निंग। तो हम सब रेडी हो गए, निकल चुके हैं, अभी ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर जाएंगे। कहाँ जाएंगे? पंजिम, हाँ साउथ गोवा, साउथ गोवा जा रहे हैं। आपके राज में अपन कहाँ जाएंगे? वो मेरा कुछ राज नहीं है, तुम्हारा ही राज है भाई। तो एक एक बजे तक निकल देनी है लोग घर से बाहर। देखो 1:30 बज गया है और अभी निकल रहे हैं हम, कैसे घूमेंगे? कुछ घूमेंगे, देखते क्या मिलता है आज भाई। गोवा में देखो क्या देखने को मिला, एसी वाला हेलमेट, वाव कैसा लगता है। बिल्कुल लेना जैसे लेकिन उसका रास्ता 2 घंटे का है, अभी 3 तो ऑलरेडी बज चुके हैं, 5 बजे हम पहुंचेंगे उधर, थोड़ा बड़ा टहलेंगे तो उतने में तो रात हो जाएगी और गोवा का 5वां अध्याय भी खत्म। गाइस पांचवा अध्याय भी खत्म हो जाएगा। सो गाइस पीयूष आ गया है, पीयूष पीयूष गेंडा हो गया, इतना खाया गेंडा हो गया पीयूष। और पापा और चाचा बैठे हैं, ये देखो चाचा चाचा जी आए करो, वो तो दादी, ये पापा जी बैठे हैं, अरे दादी अम्मा बैठी हैं सब। अभी साउथ गोवा जा रहे हैं, वहाँ पे हम लड़कियाँ देखेंगे, अम्मा मारी की मार बंद करो। इसमें अभी कमेंट पढ़ रहा था तो उसमें एक का कमेंट आया है, कल मेरे सपने में आयुष आया और सपना टूट गया, इतना ही लिखा है उसने, कल मेरे सपने में आयुष आया और सपना टूट गया। अच्छा था कि बुरा था? वो था नहीं, लेकिन मेरे को टूटने का कारण पता है क्योंकि उसके सपने में आयुष आया था ना, सपना टूट ही जाएगा। अरे कुर्सियाँ टूट जाती तो क्या चीज है, कुर्सी तोड़ दिए एक ऑलरेडी उस डे विला पे। भाई मैंने नहीं तोड़ी, वो ऑलरेडी काट खाई हुई थी, वो ऑलरेडी काट खुई क्या, सब बैठ रहे थे। और मैं वक्त रहते उठ गया था, बस चेयर चेयर जो थी वो तो एक चीज है अपना सामने, और सपना तो इमेजिनरी होता है, उसमें आयुष आएगा टूटेगा ही ना भाई, वो ऑलरेडी काट खाई हुई थी। रहने दे भाई, गाइस हमारा यहाँ पे पेट्रोल खत्म हो गया है, पेट्रोल खत्म हो गया हाँ। और पेट्रोल पंप भी नहीं है, अभी क्या करेंगे? रुक दिखाता हूँ मैं तेरे को, पेट्रोल पंप भी नहीं है। खोले ये तो खोल ते तेरा मुंह में डालू पेट्रोल पंप। अबे साले एकदम हमारे पास प्योर पेट्रोल है, बिस्लरी कंपनी का, बिस्लरी का है ये हमारा खुद का प्रोडक्शन है। ऑर्डर करना हो तो आज ही ऑर्डर कीजिए, कहाँ मिलता है वो पता नहीं हमको खुद को। व्हाट द फक, ये इसके अंदर एक थोड़ा प्रोसेस रहता है, बड़े मटके में से छोटे उसमें डालना पड़ता है, पर महीना करना पड़ता है, ऐसे 1 महीने का 1 लाख रुपए है तो जल्दी आओ सीख लो, तो ऐसे डालना रहता है और इसमें से डायरेक्ट सप्लाई होता है। इस तरीके का कुछ प्रोसेस रहता है। गाइस हमारा पेट्रोल खत्म हो गया था, हमने पेट्रोल डाल दिया है, हमारा पेट्रोल हम घर से लेके आए थे, हमारे पास पंप तो है इतना बड़ा। सौरभ भाई पेट्रोल नहीं है, सौरभ भाई बकचोदी मत करो, पेट्रोल भरो। यहाँ पे हमारा पेट्रोल खत्म हो गया है, यहाँ पे पेट्रोल भर गया है, 4,000 किलोमीटर चले, इतना पेट्रोल डाल दिया है। कुछ भी बोल, पीयूष बस मस्त भाई, सौरभ भाई मस्त एकदम।
हमने पेट्रोल पंप का बिजनेस गोवा में सोचा और एग्जीक्यूट किया हमारे आइडिया को, और उसको प्रोड्यूस किया और प्रोडक्शन डाला, फैक्ट्री डाला और इतना पेट्रोल निकाला, और अभी हमारा प्रोडक्शन खत्म भी हो गया है, हम कंपनी भी बंद कर दी है। निकल ले भाई तू, इतना फर्क पड़ा देख भाई, लाइट भी नहीं गई। भाई हमने इतनी सारी प्रोसेस की, इतना आवाज किया, कुछ किया, लेकिन ये बंदा हिला भी नहीं है। ये ऐसा कैसा ही है ये बंदा, ये जो जीव है, ये प्राणी है, तात्या बिच्छू, ऐसा कैसा ही, उठा भी नहीं वो, इसको फर्क ही नहीं पड़ता, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता दुनियादारी से। दुनिया ले जाओ तो ब्यूटीफुल बनाता है। और ये क्यों सब अपने घर को ऐसे कलर करते हैं, क्योंकि हमने सुना है, पूर्ति पुष्टि नहीं है हमारे पास, लेकिन सरकार, यहाँ की जो सरकार है, वो घरों को ऐसे कलर करने के पैसे देती, ऐसा हमने सुना है। इफ आई एम रॉन्ग डू कमेंट, इफ आई एम राइट तो डू सब्सक्राइब। भाई लेट्स गो, भाई उधर सामने जूम मार, समुद्र दिख रहा है, जूम मार, जूम, कहाँ समुद्र दिख रहा है वो देख। अरे चला गया, बहुत फ्रेशर फ्रेशर मतलब फ्रेशर फट रही है मेरी तो, इतना ऊपर पानी है। माँ कसम भाई, वर्थ, ये व्यू वर्थ रहा। अभी वहाँ जाएंगे ना तो वो तो नॉर्मल हो जाएगा, यहाँ से दूर से पानी को देखने में बहुत अलग मजा है। भाई पर्पल कर, पर्पल कर ध्रुका, सो आपको लेके चलते हैं। वो भाई बहुत हेवी लग रहा है, देख उधर ज़ूम मार। उदित उदित सही बोल रहा था भाई। क्या बोल रहा था उदित? के बहुत अलग है ये बीच, बहुत मस्त है ऐसा। मैंने बोला क्या अलग है भाई इसमें, अलग मतलब क्या, बीच तो बीच ही होता है। तब वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था उसकी फीलिंग। हमको ये बोर्ड दिख गया है, नो ड्रोन जोन, लेकिन उड़ा के रहेंगे उदित, कुछ भी कर उड़ाएंगे अपन तो। देख कितना से, ओ भाई साहब, भाई ये व्यू देखोगे आप पागल हो जाओगे, इतना भय, ओ माँ कसम। 3 2 1 वाह भाई वाह भाई, इधर बैठने का, नीचे नहीं जा सकते तो, नीचे तो पानी है फुल, एक नंबर है व्यू तो। आयुष देख नीचे बहुत पानी है, किनारा नहीं मिल रहा, तू गिर जाना तो पानी हट जाएगा सब। हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती। क्या नज़ारा है, क्या व्यू है, क्या प्यारी जगह है, क्या बीच है, क्या पानी है, क्या झाड़ है, जमीन है, क्या पौधे हैं, क्या मैं हूँ, क्या आप हो, क्या व्लॉग है, सब्सक्राइब करो। वाह भाई, क्लाउड के अंदर पर्पल टी शर्ट चमक रहा है, शर्ट तेरा या। तूने क्यों बटन अच्छे से मारे, कल कमेंट आई एक कि ओरविल ने गलती से 2 बटन लगा दिए, गजब बेइज्जती। बाकी के ऊपर के सब खुले थे, ओरविल ने गलती से 2 बटन लगा दिए सब। गर्मी बहुत लगती है फिर, क्योंकि गर्मियाँ भी बहुत है ना इधर। ओ भाई साहब, एक फोर्ट आए हैं हम, फोर्ट आए हुए हैं लेकिन फॉर्ट बंद है, सब बता रहे उदित भाई। अभी जस्ट बंद हुआ, मतलब अपने लेट पड़े, 5 मिनट लेट पड़े अपने, एग्जैक्ट 6 बजे, 6 बजे बंद हो जाता है, एग्जैक्ट 6 बज गए, गुड कांग्रेचुलेशन, लेट्स गो। बहुत अच्छा फॉर्ट था, वो जो राजा का जो बेड था अंदर और रानियों का, बहुत जबरदस्त, रानियों का बहुत जोर था भाई। भाई ऐसा कौन सा कलर है, जो कलर का यहाँ पे घर तुम लोग ने नहीं देखा, बोल। सिल्वर गोल्डन, रेड कलर का भी नहीं देखा, ब्लैक, ब्लैक भी नहीं देखा, ये देखो ग्रीन, सब ध्रुव के कलर है, आग के अंदर घुस के आग फोड़ने वाले कलर, लेकिन जो भी अच्छे है, बहुत मस्त है। गोवा इज द बेस्ट, इज द नाइस, लेकिन हमने थोड़ा मिसमैनेजमेंट है हमारा, मिसमैनेजमेंट बारिश की वजह से हुआ, बाकी हम बहुत घूमते हैं, अब हमारे पास कल का ही दिन बचा है। काला काला पूरा समंदर, गाइस समंदर पूरा काला काला हो चुका है, एक और नए बीच पे जा रहे हैं हम। पीयूष कब का गेम है, गाड़ी चला रहा है, अम्मा पीछे से बोल रही है माधुर। तो अभी एक और नए बीच पे जा रहे हैं, कैलेगिंजी मुंजी गिंजी बीच, इधर बीच के नाम ऐसे है ना भयंकर, तो देखते हैं अभी ये बीच का है। लेकिन इसके पहले वाला बहुत सही बीच था, बहुत चेक थी, वो एक अच्छा रास्ता आ गया, एकदम स्लो स्लो चला। अब देखियो यहाँ से डायरेक्ट गियर डाल,
पांचवा और 200 पे जाने दे और छूटनी चाहिए पूरी गाड़ी, समझा? मरना तेरे को डर नहीं लगता? और अपन पूरे उड़ने चाहिए और सब समुद्र में, सब फिर तैरते 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 डायरेक्ट अफ्रीका के जंगल में चले जाएंगे। सो गाइस, हम थार लेके आए थे और हमने आज तो ऑफ रोडिंग कर ली। पीयूष का गाड़ी चला रहा है, पीछे हम देखे आवाज आया, हमारी गांड फट गई। गाड़ी भाड़े की है गाइस, कुछ भी होगा तो डायरेक्ट 10-15 हज़ार की पूरा बजट हिल जाएगा। पूरा बजट हिल जाएगा गाइस, अभी तक सब सही चल रहा है। पीयूष एक ऑफ रोडिंग चल रही है गाइस। ओ भाई, इधर बादल देखो, काले काले आ गए पूरे। ये देखो इतने काले। ओ तेरी भाई, पीयूष ऐसे पानी में से मत ले, तो पानी ही ऑप्शन है। ये कहाँ जा रहे हैं? इनोवा चल रहा है, इनोवा है, इनोवा के पीछे जा रहे हैं। लेकिन तू मत भूल कि वो इनोवा है और ये ग्लेंजा है, समझ रहे गाइस? वहाँ पे एक गाड़ी खड़ी है, वो गाड़ी हिल रही है थोड़ी थोड़ी। क्या गाइस, कुछ चल रहा है गाइस? कुछ नहीं है, पूरा बीच वाइब है गाइस। ओ भाई, बहुत नेक्स्ट लेवल बीच मिलने वाला है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो जिस तरीके का ये रास्ता है और जिस तरीके का वेदर हो रखा है, उस तरीके से हमें बहुत भयंकर व्यू मिलने वाला है। ओ सामने काला पानी दिख रहा है, भयंकर। वाओ, व्हाट अ लवली बीच। ये बीच बहुत अनएक्सपेक्टेड है और बहुत हिडन बीच है, जिसको हमने ये दुनिया में पहली बार ढूंढा है। और हम नाम नहीं बताएंगे, डायरेक्ट लोकेशन सेंड करेंगे सबको। सबका नाम करो लोकेशन के लिए। हाँ, लोकेशन के लिए आज ही कॉन्टेक्ट करो, फॉलो करो सनी बाउसर को, फिर उनसे पूछो, उनको तंग करो, उसको तंग करो। ओ माँ कसम, दे डायरेक्ट 300 की स्पीड पर डायरेक्ट समुद्र में कूदा, जाने दे डायरेक्ट। पीस। गाइस, हमारी कार वहाँ पहुँच चुकी है, देखो, और इनोवा भी पहुँच चुकी है। हम एक सेफ ऐसे नॉर्मल गाड़ी में। ओ पीस। ओ माँ कसम दे, 300 की स्पीड पे जा रहे थे। ओ यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है गाइस, ये बहुत ज्यादा हिडन है, खाली दो कार है इधर। भाई ये क्या बीच का लोकेशन, सही भाई चश्मा साफ करते हुए और एक नंबर व्यू आते हुए। दुनिया में आ चुका हूँ, यहाँ पे थॉर और वगैरह यहाँ पे रोज आते हैं, चाय पीने बैठते हैं। थॉर, थेनोस और वेनोस, जो वेनोस है वो हमको मिला है। वेनोस यहाँ, ये अलग दुनिया में आया ना। हाँ, यहाँ पे थॉर, थेनोस और वेनोस सब चाय पीते हैं इधर आके, है ना, रोज इधर चाय पीता। नाम से अलग यूनिवर्स से, और मुक्का मार के सब तबाह करते हैं ये लोग। इधर रोज चाय वगैरह पीते हैं, इसका एक नंबर आ रहा है। और यहाँ पे आइए, यहाँ पे थॉर और वो सब नहाते हैं। भाई नीचे आराम से जा सकते हैं, एक नंबर भाई। अगर थोड़ा अंधेरा कम होता ना, नीचे जाके क्या फोटो वीडियो लेते। थॉर और वगैरह नीचे ही बैठे होंगे, वहाँ पे नीचे कैफे, वहाँ पे थॉर थेनोस सब बैठे होंगे, चिल करते। और वेनोस देखो, वेनोस स्नैप ले रहा है। वेनोस हाय। ये जगह जो है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हो सकती है। मास्टर वहाँ पे भी देखो, इतना मस्त बीच है, आराम से एकदम आराम से जा सकते हैं भाई। वहाँ मेरे को जाना है, लेकिन अभी क्या है कि थोड़ी थोड़ी बारिश गिरने लग गई है और बहुत काला घना मौसम हो रहा है, तो इसलिए नीचे जाऊंगा तो कुछ सूट नहीं हो पाएगा। नीचे जाऊंगा तब तक अंधेरा हो जाएगा ऐसा लग रहा है। थोड़ा और जल्दी आने का था। ये हिडन बीच है यहाँ का, जिसका नाम है, मैं बताता हूँ आपको, थोड़ा डिफिकल्ट नाम है। एक अलग दुनिया है ये भाई, बहुत भयंकर। जल्दी आओ, थोड़ा ही टाइम है। थोड़ा ही टाइम है, जो खींच रहा है जल्दी करो। यहाँ से नीचे जा सकते हैं, बहुत मस्त है, लेकिन अभी यार अंधेरा हो जाने वाला है। इस जगह का नाम है कैनानूनियम बीच, ऐसे सब नाम है यार। कैनानूनियम बीच है ये रहा। क्या नाम क्या है? कैनाजिनियन बीच, देखा? कैनाजिनियम, कैना रितेश की जिनियन बीच। बारिश स्टार्ट हो गई, बारिश पहले ही बोला ना तुम लोग को, थोड़ा ही टाइम है। ये यहाँ पे सेट है, हम आएंगे इधर फिर से और यहाँ पे देखो मैगी मोमोज सारी चीजें बनाएंगे और खाएंगे, टेंट लगाएंगे यहाँ पे। कमेंट करो अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो, ज्यादा से ज्यादा कमेंट होगी तो ये चीज करेंगे हम जल्दी जरूर जल्दी। मेरा भी व्लॉग है, भूल गया। सुबह से अभी शाम को व्लॉग चालू कर रहा है मेरा भी व्लॉग। कल रात को यही हुआ, नहीं कल शाम को यही हुआ भाई। ऐसा इजी नहीं होता है व्लॉगिंग करना, 8-8 महीने का कोर्स रहता है। भागो भाई, भागे सब 400 की स्पीड पे। ये दूसरी गाड़ी वाला आदमी आ गया इधर। क्या भाई इधर क्यों है तू? हाँ, भाई अभी बॉडी बिल्डिंग चलेगा, वो टोकन उसके चक्कर में गीला हो रहा है पूरा। भाग मिल्खा भाग। वीरू भाई ने बॉडी अच्छी बनाई, मैंने ही गाइड किया पूरा, राइट साइड वाला। मैं खुद को गाइड नहीं करता बस इतना। वो भाई कभी भी जिम जो मतलब
कभी भी कैसा होता है, हर कोई आदमी किसी दूसरे को ही गाइड कर सकता है, खुद को गाइड नहीं कर सकता। आज का सुविचार, आज का मोटिवेशन, ये रास्ता बहुत कठिन लगने वाला है क्योंकि बारिश के कारण सभी रास्ते पिचका गए होंगे और ऊपर से आयुष है हमारे पास। देख आयुष एकदम ध्यान से चलाना, सच में बोल रहा हूँ, पानी में तो लेना ही मत, यहाँ से जान दे यहाँ से। सो दिस इज द कैना केंजिंग लिगिंजम बीच। सो हम थोड़ा घूम घाम के वैसे घूम घूम के आ चुके हैं कसिनो की साइड। अभी यहाँ पे देखते हैं, ये दो तीन लोग कसिनो जाने का बोल रहे हैं, बाकी मेरे को तो कोई इंटरेस्ट नहीं है। तू जाने वाला भाई कसिनो? अलाउ करेगा तो जाऊंगा। अरे कसिनो तेरे में आएगा। उदित को जाना है कसिनो, देख तू जा और सारा बजट जो अपना खर्च हुआ ना वो सब कवर कर गया, ठीक है? वापस आके दे देना, बैंक में डाल देंगे जो खर्चा हुआ ना केस में से। So guys, देखो हम कहाँ से ब्लॉक कर रहे हैं, हम कसिनो के अंदर है, करना नहीं चाहिए लेकिन हम करते हैं क्योंकि हमारे कवर में आयुष प्राइवेट हमको देख भी नहीं सकता।